वर्धमान जिले के काक्सा थाना अंतर्गत सरस्वतीगंज इलाके में एक भाजपा कार्यकर्ता की रविवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृत भाजपा कार्यकर्ता का नाम संदीप घोष, उम्र 21 वर्ष थी। इस बाबत काक्सा थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है। बताया जा रहा है कि काक्सा के सरस्वतीगंज में रविवार रात भाजपा के बूथ कमेटी की एक बैठक थी। बैठक खत्म होने के बाद रूपगंज के कई कार्यकर्ता अपने घरों को लौट रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान सरस्वतीगंज से रूपगंज जाने वाली सड़क से सटे जंगलों से 30 से 35 हथियारबंद लोग निकले और अचानक भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। पहले भाजपा कार्यकर्ताओं को जमीन पर पटक कर लाठी और बांस से पीटा गया। इस दौरान संदीप अपने साथी की मोटरसाइकिल पर था। इसके बाद गुंडों ने गोली चला दी। उसमें से एक गोली संदीप के कान में लग गई। अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने जंगल की ओर भागकर अपनी जान बचाई। खबर पाकर काक्सा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। संदीप को दुर्गापुर के एक नर्सिंग होम में लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संदीप के पिता विजय घोष ने कहा, मेरा बेटा राजनीति की बलि चढ़ गया है। मुझे पता ही नहीं चला कि वह भाजपा की बैठक में गया था। घर से तो बोलकर गया था कि पिकनिक पे जा रहा है, वह मीटिंग में क्या करने गया था। तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने ही मेरे बेटे की हत्या की है। विजय बाबू भाजपा के प्रति भी नाराज दिखे। उन्होंने कहा, भाजपा वालों क्यों मेरे बेटे को लेकर मीटिंग में गए? क्या वे मेरे बेटे को वापस ला देंगे? इस घटना पर भाजपा के जिला अध्यक्ष लखन खुरोई ने कहा, जब हमारे कार्यकर्ता बैठक के बाद घर लौट रहे थे, उसी वक्त तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने संदीप को गोली मार दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। इस घटना में इलाके में सक्रिय बालू माफिया और कोयला माफिया के लोग भी हैं। स्थानीय पुलिस पर हमें अब कोई भरोसा नहीं रह गया है। हम इस मामले की सीबीआई जांच चाहते हैं। उधर तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उत्तम मुखोपाध्याय ने इसे भाजपा के आपसी कलह का मामला करार दिया है। घटना के बाद पुलिस को घेर कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस बल को तैनात किया गया है। दुष्कृतिरा जे भावे এখানে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে, একের পর এক বিজেপি কর্মী খুন করে যাচ্ছে, এখনো পর্যন্ত আসল দোষীকে ধরা হয়নি। তিনজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, আসল দোষী সাইফুলকে এখনো অ্যারেস্ট করা হয়নি। কেন? এখানে নতুন নয়, এখানে অনেক দিন ধরেই এদের এখানে মাফিয়া রাজ চলে। বালি কয়লা সব কিছু এখানে মাফিয়া রাজ চলে। পুলিশ আধিকারিকরা তাদেরকে না আটকাতে পেরে আমাদেরকে আটকাচ্ছে কেন? তার মানে বুঝতে হবে যে যারা এই দুষ্কৃতীরা এইভাবে হামলা করে এত টাকা চুরি জচ্চুরি ডাকাতি করে, সেগুলো তার মানে রাজ্য সরকারের কাছে বা পুলিশের কাছে যায়, তারাই রাজ্যটাকে এইভাবে এদের টাকা দিয়ে চালায়। খুন খারাপি রাজনীতি করে যেভাবে রোজগার করে, সেই রোজগারের টাকা তারা রাজ্য সরকারকে দিচ্ছে, পুলিশ আধিকারিককে দিচ্ছে। সেই জন্যই পুলিশ এখনো পর্যন্ত আসল লোককে গ্রেফতার করতে পারেনি। কিন্তু আমরা বলতে চাই, আমরা সন্দীপের বিচার চাই এবং আরো কিছু জন হসপিটালে আছে, আমরা সেখানে তাদেরকে দেখতে যাব, তাদের পরিস্থিতি জানব। এবং এই সিআইডি দিয়ে কোনো কিছু হবে না, আমরা পুরুলিয়ায় দেখে নিয়েছি। এবং এই সন্দীপের পুরোপুরি বিচার চাই, পুরোপুরি সিবিআই তদন্ত হোক। এবং এই দেহ নিয়ে তৃণমূলের কোনো আধিকারিক, কোনো প্রশাসনের আধিকারিক যেন কোনো রকম রাজনীতি না করে। রাজনীতি যেন আমাদেরকে আমাদের ওপর ছেড়ে দেয়, আমরা আমাদের কর্মীকে তাদের বাড়ির কাছে পরিবারের কাছে দেব, পুলিশ যেন এখানে হস্তক্ষেপ না করে। এটুকুই বলে আমার বক্তব্য শেষ।